टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण में बेकरी वालों ने की लॉन्ड्री वाले की हत्या, साजिश के तहत घटना को दिया अंजाम। कल्याण परिसर में एक वालोघनी इलाका है, उसी इलाके में तीन भाइयों ने मिलकर लॉन्ड्री वाले की हत्या कर दी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान लॉन्ड्री का कारोबार बंद था। अमर बहादुर कनौजिया, जो कि पहले से ही लॉन्ड्री चलाते थे, लॉकडाउन के चलते घर चलाने का भार भी उन्हीं के ऊपर था, और ऐसे में रोशन लाल ने लॉन्ड्री का कारोबार छोड़कर बेकरी का कारोबार यानी खारी बटर टोस्ट का कारोबार शुरू किया। लेकिन अमर कनौजिया के पड़ोसी, जो कि पहले से ही सलाहुद्दीन अंसारी, कुसमुद्दीन अंसारी, मोहम्मद बिन अंसारी, ये तीनों भाई हैं, बेकरी का कारोबार पहले से करते थे। इन्हें नागवार गुजरा और लॉन्ड्री वाले से तूतू मैमै करते तीन लोग यानी तीनों भाइयों ने मारने लगे। इस तरह से मारा कि लॉन्ड्री वाले के भाई जो है, अमर बहादुर के भाई जो रोशन, जो बीच बचाव के लिए आया था, उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इसके पहले भी दोनों का झगड़ा जो है पार्किंग को लेकर हुआ था, लेकिन आज जो झगड़ा हुआ है वो ये है कि अमर बहादुर सस्ते दाम में खारी बटर बेचता था, और जिसके वजह से पड़ोसी, जो कि अब आरोपी हैं, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, इनका खारी बटर नहीं बिकता था, जिसके चलते तीनों आरोपियों ने अमर बहादुर से झगड़ा करने लगे। इसी बीच बचाव के लिए आए अमर बहादुर के भाई रोशन को मार मार के हत्या कर दी। कल्याण पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या कहा है अनिल पवार ने, जो कि वहां के एसीपी हैं, सुनिए। पुलिस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा रहस्य नंबर 415/2020 कलम IPC 302 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। यातील फिर्यादी अमर बहादूर विपत कनौजिया हा 32 वर्षाचा हा लॉन्ड्रीचा व्यवसाय करतो। त्याचा एक भाऊ आहे जो मयत झालेला आहे याच्यामध्ये। हा जो फिर्यादी आहे अमर कनौजिया, याचा आणि त्याच्या शेजारी राहणारे सलाहुद्दीन यामीन अन्सारी, कशिमुद्दीन यामीन अन्सारी आणि मोहम्मद नाजीम अन्सारी यांच्यामध्ये एक जूनमध्ये एक वाहन लावण्यावरून त्यांच्यामध्ये वाद झाला होता पार्किंगच्या कारणावरून। त्याचप्रमाणे यातील हा जो फिर्यादी आहे हा पूर्वी लॉन्ड्रीचा व्यवसाय करत होता, पण या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये त्याचा व्यवसाय बंद झाला, त्यामुळे त्यानं खारी बिस्किट विकण्याचा व्यवसाय चालू केला होता। त्याला चांगला प्रतिसाद त्याला मिळत होता, आणि यातील जे आरोपी आहेत हे पाव विक्रीचा व्यवसाय करत होता। ह्याच्याकडं फिर्यादीकडं लोकं जास्ती प्रमाणात जाऊ लागल्यामुळे त्यांच्यामध्ये थोडासा दुश्मनी निर्माण झाली होती। त्याच कारणावरून आज सकाळी 9:30 वांदोलीमध्ये त्यांच्यामध्ये भांडण झालं, आणि त्या भांडणामध्ये एकमेकाला मारहाण झाली, आणि त्याच्यामध्ये हा जो फिर्यादी आहे त्याचा भाऊ कनौजिया हा त्याच्यामध्ये मयत झालेला आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपींना तात्काळ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बांडकर, MFC पोलीस स्टाफनी ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। गुन्हा दाखल झालेला आहे, परिसरामध्ये शांतता आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास API पत्रे महात्मा पोलीसने करतात।